मैं आपको बताऊंगी आप घर पे पेडिक्योर कैसे करें। तो सारे इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पे आपको मेंशन है। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड अप्लाई करेंगे। 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे एंड सूखने के बाद हल्के हाथों से हम इसे स्क्रब करेंगे एंड स्क्रब करने के बाद हम वॉश कर लेंगे। मैनिक्योर करने के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल ही आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे। इसलिए मैंने बेसन लिया है, चाय पत्ती लिया है एंड चावल का आटा लिया है एंड विटामिन ई की कैप्सूल वाली है। वाटर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है एंड देन वॉश इट। सारे रेमेडी आपको अच्छे लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वाला हेयर सीरम आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगा। इसलिए मैंने कंडीशनर लिया, एलोवेरा जेल, आमंड ऑयल एंड एसेंशियल ऑयल, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड हमें इसे अपने हेयर पे अप्लाई करना है। ये वाला सीरम ट्राई करने के बाद ना आप वीडियो में वापस आके मुझे थैंक्स करोगे शेयर करने के लिए। विंटर आ रही है, विंटर में आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होंगे, तो इसलिए मैं आपको एक अच्छा सा स्क्रब बताती हूँ। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस कॉफ़ी चाहिए, शुगर चाहिए एंड मिल्क चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड अपने लिप पे जेंटली स्क्रब करना है हमें। फाइनल रिजल्ट आप देख ही सकते कितना ब्यूटीफुल आया है। वेडिंग्स आ रही हो और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फेस को ग्लोई सॉफ्ट कैसे दिखा सकते हो। इंग्रेडिएंट्स सारे आपको स्क्रीन पे मेंशन मिलेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड अप्लाई करेंगे। लम्ब्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। ये सारे रेमेडी 100% इफेक्टिव है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।